एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोग को बतानी थी, ये ब्लॉग जो शुरू हो रहा है, इस ब्लॉग को मैंने सोचा था अलग रखूंगा और रक्षाबंधन ब्लॉग को अलग रखूंगा, बट इस ब्लॉग में मैंने रक्षाबंधन ब्लॉग को जोड़ दिया। तो ब्लॉग पूरा देखना, एंड स्पेशली जो एंड पार्ट है वो बहुत ही इमोशनल पार्ट है, बहुत ही दिल से मैंने उस चीज़ को जोड़ा है। मैंने सोचा नहीं था उस चीज़ को जोड़ूंगा, एंड कोई वीडियो नहीं थी तो कुछ इमेजेस क्लिप्स लगाए और मैंने कुछ अपनी दिल की बातें बताई है वहाँ पे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिए, एंड स्पेशली द एंड पार्ट इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं अभी जा रहा हूँ शाम को थोड़ा वर्क के लिए, थोड़ा चल के आते, बहुत दिन से जिम नहीं जा पाया, दो दिन हो गया कुछ काम की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा वर्क कर लेते, थोड़ा वर्कआउट हो जाएगा। काइंड ऑफ टारगेट तो है कि अप्रॉक्स 10,000 स्टेप्स करने का ट्राई करेंगे जितना हो पाएगा। एंड साथ ही साथ थोड़ा काम है मुझे कि मुझे राखी खरीदने, राखी आने वाली है 31 या 30, पता नहीं अब डेट कुछ कन्फ्यूजन है उसका। तो उसके लिए भी राखी खरीदनी है, फिर आते घर और कुछ होता है इंटरेस्टिंग, या फिर जहाँ मैं जा रहा हूँ वर्क के लिए वो जगह भी थोड़ा अच्छा है, शाम को अच्छा लगता है देखने के लिए, तो उन जगह के थोड़े क्लिप्स दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। फिर बाकी बात करते हैं मैं घर आने के बाद। ये कितने की दी राखी? 40। ये सारी भी? हाँ। ये भी 40। हाँ। ये क्रॉसिंग पे काफी सही जगह है जहाँ पे काफी लोग चलने आते हैं, बहुत ही सही जगह है। बट एज यूजुअल तुम्हारा भाई वापस से कुछ नहीं बोल पाते हुए, ऑब्वियसली कैमरा मेरी तरफ ना करके मैं सिंपली कैमरे को उस रास्ते की तरफ करके आप लोग को दिखा रहा था उस व्यू को। बट हाँ, मैंने अपने आप को नहीं दिखाया, कुछ बोल नहीं पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अब तक मुझे काफ़ी काम करना है अपने पे। और यहाँ मैं अपने कैमरा के थोड़े शॉट्स ट्राई करते हुए, बट पता नहीं क्यों कैमरे के वीडियोज जो कैप्चर हो रहे थे अंधेरे में या पता नहीं क्या रीज़न थे, ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे, थोड़े ग्रेन्स दिख रहे थे, आई डोंट नो वाई। बट हाँ, सेटिस्फाइड नहीं थे इस क्लिप से, बट क्योंकि एक ही व्यू लिया था ये बेसिकली अच्छा लग रहा था दिखने में, तो फिर मैंने ये डाल दिया। बट ध्यान रखूँगा अगली बार ग्रीन क्यों आए मेरे को पता नहीं। बट हाँ, आप देखिए ये बहुत चल लिया, अब तो 5 किलोमीटर हो गए, मज़ा आ गया आज, है ना। काफ़ी दिन बाद निकला था इसलिए काफ़ी बढ़िया लगा। विशाल तो हर रोज़ जाता है, सारा पतला हो रहा है, मेरा जिम बंद हो रखा है, पता नहीं कब वापस स्टार्ट करूँ, बोर लग रहा था इस बीच। ये हमारा क्रॉसिंग का एक आलिशान मॉल जो कि ऑब्वियसली कुछ शॉप से एक बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज इतना आवाज़ था गाड़ियों का एंड शॉप्स वगैरह का भी, तो पॉसिबल नहीं था वहाँ पर कुछ भी बोलूँ। एंड यहाँ हो गया काइंड ऑफ फैन मोमेंट, जो वो पिंक कलर की शर्ट में आपको दिख रहे वही है वो सर जिनके बारे में मैंने आगे जाके वीडियो में बात की है, जिनसे मैंने यूट्यूब पर पढ़ा है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो में, उनके बारे में मैंने बताया। और काफ़ी बढ़िया लगा आज तो, काफ़ी ज़्यादा हो गया अब तक, अब तो दुख रहा है पैर लिटरली। चलते अभी घर। तो आ गया मैं वॉकिंग करके, काफ़ी हेक्टिक हो गया एक दिन में, बहुत ज़्यादा चल लिया, बहुत दिनों के बाद गया था करके। बट हाँ, आज एक बहुत ही काइंड ऑफ फैन मोमेंट हो गया। एक सर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, मैं उनसे मिलके भी उस समय एक्साइटमेंट में इतना हो गया कि मैं फ़ोटो नहीं ले पाया। बेसिकली वो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, काफ़ी बहुत बढ़िया टीचर है, सी फॉर योर सेल्फ करके उनका चैनल का नाम है, आप चेकआउट कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं वो कॉलेज लेवल पे, एंड थोड़ा भी हायर लेवल पे जा रहे हैं। चैनल बहुत अच्छा ग्रो है उनका, लाइक कहते हैं ना एक स्टार्टअप है, फिर इनिशियली क्वालिटी बेटर हो रही है उनकी दिन प्रतिदिन। तो जो दो सब्जेक्ट मैंने उनसे पढ़ी है वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दूसरा है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सेम थर्ड एंड सेम फोर्थ में था वो। उन्हीं की वजह से मेरा एग्जाम ठीक ठाक निकला, काफ़ी बढ़िया है टीचर, वो सही पढ़ाते हैं एंड टेलीग्राम पे वो डाउट्स भी क्लियर करते हैं आपको पर्सनली, आप उनको आंसर्स भेजेंगे तो वो डाउट क्लियर करते हैं। बहुत ही हम्बल टीचर है, बहुत मज़ा आया उनसे मिलकर, अच्छा लगा, 2 मिनट बातें भी हुई मेरी, पहली बार मिला ऑब्वियसली मैं ऐसे ऑफलाइन कोइंसिडेंटली। एंड हाँ, वही मेरा आज का बेस्ट एक्सपीरियंस था शायद से, आज ही मैंने स्टार्ट किया एंड वो लिखा हुआ था कि मैं उनसे मिलूंगा, तो बहुत मज़ा आया एंड एक्साइटेड भी था।
एट द सेम टाइम। एंड अभी थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है, मोबिलिटी करूंगा अभी, एंड कल जाऊंगा कि नहीं वो देखते हैं, बिकॉज मतलब सुबह शाम को तो जाऊंगा ही जाऊंगा, बट मुझे मन है सुबह जाने का क्योंकि बहुत सुंदर लगता है जो क्रॉसिंग है। जितना क्लिप हो सका मैंने रिकॉर्ड किया, आप लोग को भी होपफुली अच्छा लगा होगा। ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करके पाया क्योंकि मैं अपने वॉक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। एंड अराउंड 6.85 किलोमीटर में चला, 7 होने वाला था, बट लास्ट में इतना पुश नहीं किया कि मेरा को इंजरी सही हो जाए फिर। एंड मेरा घर ये भी डेड हो गया, मैं दिखा नहीं सकता, बट हाँ काफ़ी मज़ा आया एंड बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस था। एंड और एक चीज़ जो मैं मेनली भूल गया, जो मैं बता रहा था आपको, राखी लेने गया तो मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया था कि जब मैं देख रहा था राखी काफ़ी सुंदर थे काफ़ी सारे, बट मुझे थोड़ा सिंपल में पसंद है तो मैंने जो लिया राखी वो है ये रहा, दो राखी। एंड वन मोर थिंग जो कि मेरे को मैं सोच रहा था बताऊंगा करके, सो हाँ जो मैं सोच रहा था बताऊंगा करके कि हाँ मेरी खुद की सिस्टर नहीं है, मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये राखी, उनकी तरफ उन्होंने मुझे बांध देंगे, बट ऑब्वियसली वो अभी है नहीं, वो लोग दोनों अलग अलग शहरों में अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। तो अभी कल की राखी मेरे दादाजी बांधेंगे जो कि मेरे काफ़ी बढ़िया दोस्त है, बहुत चिल बंदे, मज़ा आता है उनके साथ, उनके मेरे को बांधेंगे राखी, तब मैं रिकॉर्ड करूँगा, वो एक अच्छा मोमेंट होता है, रिकॉर्ड करूँगा मेरे को मन है। एंड काफ़ी इमोशनल एक वो है फेस्टिव है, बट हाँ मेरे लिए थोड़ा कम होता है क्योंकि बचपन से उस इमोशन के साथ नहीं हो कि हाँ घर में बहन है उसी ने बांध दी है, कजिन सिस्टर्स हमेशा बाहर बाहर रहे हैं ऑब्वियसली, तो टाइम नहीं मिला सामने से बांधने का, एक आध बार ही हुआ होगा मैक्सिमम बाय पोस्ट है, आज की तरह हम मनाते राखी को, बट हाँ ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा ओकेशन है, तो सब अपने बहनों के साथ सेलिब्रेट करो, हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू गाइज, केयर करो उनकी, उनको टाइम दे दिया करो थोड़ा, वो लोग भी उस चीज़ को मतलब बहुत समय मैंने जितना देखा है कि लोग झगड़ते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल मुझे पता है कि मेरी कजिन सिस्टर्स जो है मुझे कितना उनके साथ बॉन्ड है, मेरी जो बड़ी दीदी है वो कितना मुझे प्यार करती है, तो समझ में आता है उस चीज़ को, लेकिन बहुत लोगों की खुद की सिस्टर्स होने के बाद भी उस चीज़ को नहीं समझते, बट अब होना चाहिए ये चीज़ ना, एक बॉन्ड होनी चाहिए हमारे बीच में। तो देखते कल का राखी कैसे जाता है, वो जब वो दादाजी बांधेंगे मुझे तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। और यहाँ हम निकल पड़े हैं राखी सेलिब्रेशन के लिए इवनिंग में, ऑब्वियसली दीदी नहीं है साथ में, बट हाँ हम लोग शाम को निकल गए कुछ बाहर खाने पीने के लिए। एंड यहाँ पे क्रॉसिंग में जैसे मैं गया था वॉक के लिए, वो पिछले दिन का क्लिप था, एंड ये है राखी वाले दिन का क्लिप, दैट इज़ 31st का ये क्लिप। एंड यहाँ हम आ जाते हैं क्रॉसिंग में कुछ स्टार्टर आइटम्स खाने, एंड ये कुछ शॉप्स है जो लखनऊ बेस्ड रहते हैं जो कि बहुत ही अच्छा स्टार्टर सर्व करते हैं, एंड इनमें से वन ऑफ माई फेवरेट शॉप है, तो हम लोग प्लान करते हैं कि वहीं पे जाके कुछ एंजॉय करते खाते सब लोग फैमिली मिलके। फैमिली के साथ ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं भी थोड़ा कॉन्शियस होता हूँ, तो यही सब कुछ मैंने ऑर्डर किया जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में। सो जैसे कि मैंने बताया कि इस बार मेरी दीदी वगैरह नहीं आ पाए मेरे साथ राखी बनाने, बट कुछ पिक्चर्स थे जो पिछले साल के थे जो कि बहुत प्यारे मोमेंट्स थे, तो वो इमेजेस मैंने लगा दी यहाँ पे, वीडियोस नहीं थे उस समय मेरे पास किसी भी तरीके का, तो मैंने बहुत मिस किया उन लोग को इस बार, ऑब्वियसली उनके आने से वो जो फेस्टिव है वो मेनली तभी हाईलाइट होता है, बट हाँ उनके एक मैसेज ने सबसे ज़्यादा मुझे खुश कर दिया, जो कि क्या था मैं लास्ट में डाल दूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा मीन करता है मेरे लिए वो मैसेज। सारी उम्र हमें संग रहना है।